वहीं शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली संजीवनी के बाद बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है। मौजूदा हालात पर मंथन करने के लिए बीजेपी ने एक बैठक की और सभी विधायकों को मुंबई आने को कहा। कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए सुना आपने, वेट एंड वॉच मतलब साफ है, अगर उधर सरकार गिरी तो बीजेपी की चांदी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। मुंबई में अचानक बैठक बुलाई गई और उसमें महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर मंथन हुआ। चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि वो शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानती है। 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने दावा किया कि उसके पास एकनाथ शिंदे गुट से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। शिवसेना के ग्रुप लीडर, शिवसेना के गठनेता श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी के इस दावे को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छाप है इस जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में क्या करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में कोशिश करते करते खत्म नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी ने हर दिन बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपने सभी विधायकों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं। खबर है कि उद्धव सरकार के तख्ता पलट के बाद बनने वाले सियासी हालात के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। शिंदे गुट के समर्थन के बिना भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। फ्लोर टेस्ट में अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई, तो महाराष्ट्र की सत्ता पर बीजेपी कैसे काबिज होगी, इस पर रणनीति लगभग तय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार है, वो भी तब जब शिंदे गुट के 39 विधायक गुवाहाटी में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या इस वक्त 287 है। इनमें अगर शिवसेना के 39 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में गायब रहते हैं तो सदन की संख्या घटकर 248 हो जाएगी और ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए 125 विधायकों की दरकार होगी। इसलिए बीजेपी मुतमईन दिखती है क्योंकि उसके पास 106 अपने विधायक हैं, साथ ही उसके समर्थन वाले 7 निर्दलीय और अन्य विधायक हैं। बीजेपी को भरोसा है कि शिंदे गुट के 11 निर्दलीय विधायक उसके साथ आ जाएंगे। इसके साथ ही राज ठाकरे की पार्टी के एक विधायक का भी बीजेपी को समर्थन मिल जाएगा। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों पर भी बीजेपी का दावा है। तो ये सारे आंकड़े जोड़कर 128 होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से महाविकास अघाड़ी की सरकार अब अल्पमत में है, वो कैसे इसको समझिए। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के पास 16 विधायक बचे हैं, एनसीपी के पास है तो 53, लेकिन अनिल देशमुख और नवाब मलिक के जेल में होने के कारण वो संख्या 51 हो जाती है। साथ ही कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। इनके अलावा उनको समाजवादी पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल सकता है, तो ये कुल संख्या 116 हो रही है, जो बहुमत से कम है। तो वहीं शिवसेना के बागी विधायकों का ऐसा दावा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ बयानों में है, असली इम्तिहान तो विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। शिंदे गुट और आठवले का दावा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बहुमत खो चुकी है, यानी उसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये साबित कैसे होगा, इसके लिए फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है, और फ्लोर टेस्ट तब होगा जब कोई महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। इसके लिए कई विकल्प खुले हैं। विकल्प नंबर 1, कोई भी पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से मांग कर सकती है। चर्चा है कि इस विकल्प पर तैयारी शुरू हो गई है। विपक्ष की कोई छोटी पार्टी के विधायक राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2, दूसरा विकल्प ये है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्यपाल खुद फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। इन दोनों हालात में महाविकास अघाड़ी सरकार की असली शक्ति प्रदर्शन हो जाएगी। हालांकि बीजेपी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट में महाविकास अघाड़ी की शिकस्त होगी।
उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन देना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई उनको आशा है कि वो जो बागी एमएलए है उसमें से और भी कुछ लोग हमारे पास साथ आएंगे, लेकिन उनके पास मेजोरिटी ही नहीं है और मेजोरिटी हम दिखाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार हम बनाएंगे। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो फ्लोर टेस्ट के बाद नए सिरे से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, जिसके लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र में बगावत की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुवाहाटी के 5-स्टार होटल में बैठे शिंदे गुट अब एक्शन में आ गया है। खबर यह है कि यह गुट 30 जून के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। दिल्ली से जैसे ही राहत की खबर आई, ठाणे में शिंदे समर्थक जश्न में डूब गए। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक उद्धव की सरकार को गिराने की रणनीति पर तैयारी शुरू कर दी गई। एजेंडा भी साफ कर दिया गया, जिसकी एक झलक आपको गुवाहाटी में लगे इस होर्डिंग से लग गई होगी। इस पर बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर है और हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन का ऐलान है। ये होर्डिंग गुवाहाटी के उसी होटल के पास लगी है जहां शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को गिराने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। इसलिए खबर है कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है, यानी 5 जुलाई तक बागी विधायक गुवाहाटी में ही रह सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है। इतना ही नहीं, सुप्रीम मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने के लिए अचानक एक्टिव हो गया। सबसे पहले ताजा सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए शिंदे गुट की गुवाहाटी के रेडिसन होटल में बैठक हुई। ऐसी खबर है कि इस बैठक में राज्यपाल से संपर्क करने पर भी बातचीत हुई, जिसमें उद्धव सरकार के अल्पमत में होने के दावे की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राज्यपाल से कैसे संपर्क हो, इस पर भी चर्चा की गई। तो महाराष्ट्र के सियासी घमासान में शिंदे गुट को 12 जुलाई तक के लिए मोहलत मिल गई है। फिलहाल 16 बागी विधायकों पर डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई गई। एकनाथ शिंदे गुट को कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ना तो अब शिंदे गुट को अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने की जल्दी है और न ही सदस्यता जाने का फिलहाल डर है। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही उद्धव सरकार अल्पमत में है, ये साबित करने के लिए विपक्ष और शिंदे गुट के सामने फ्लोर टेस्ट का दरवाजा खुल गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, लेकिन अदालत के निर्देश से महाराष्ट्र के सियासी संकट को खत्म करने के लिए कई रास्ते खुल गए, क्योंकि बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर फिलहाल डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और अब ये बागी 12 जुलाई तक महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब दे सकते हैं, यानी 15 दिनों की राहत। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले पर डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मियाद में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। यानी अब उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट या कोई विपक्षी पार्टी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन शिवसेना का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में वो बाजी मार लेगी। 20 से ज्यादा विधायक शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के हमारे साथ में संपर्क में है और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हम जब हाउस में आएंगे या सामने आएंगे तब हम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हम मतदान करेंगे, हम आपके साथ। अगर अनिल देसाई का दावा उल्टा पड़ा, जैसा कि आंकड़ों से नजर आ रहा है, तो 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र में तख्ता पलट होना तय है। बाबा, बाबा।
या सिटी जानिए। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।